हाउ कैन आई लुक मोर टॉलर? वेल, ये क्वेश्चन मुझे भी बहुत परेशान करता था. अभी भी करता है, लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करके मैंने अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख लिया है. अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो आज के वीडियो में आपको मिलेंगे 5 टिप्स टू मेक यू लुक टॉलर देन यू आर. वेलकम टू द चैनल. हे गाइस, मैं हूं एसडी और आप देख रहे हैं स्टाइल डोज. 5 टिप्स तो मैं दूंगा, साथ में कुछ स्टाइल हैक्स भी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, जो हेल्प करेंगे आपको इंस्टेंटली थोड़ा टॉल दिखने में. सो वीडियो लास्ट तक जरूर देख लेना. स्टार्ट करते हैं. टिप नंबर 1, जो बहुत बेसिक्स है और आप में से मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा, इंक्लूड वर्टिकल एलिमेंट्स इन योर आउटफिट. ये टिप ऑलमोस्ट सबको पता है दैट वर्टिकल एलिमेंट्स हेल्प करते हैं हमें थोड़ा टॉल दिखने में. लेकिन अपने आउटफिट में वर्टिकल एलिमेंट्स इंक्लूड कैसे करोगे, ये मैं आपको बताता हूं. सबसे ज्यादा हेल्प करती है सेम कलर्ड आउटफिट्स. अगर आपका टॉप एंड बॉटम वियर सिमिलर शेड में है तो ऑब्वियसली आप थोड़े टॉल दिखोगे, बिकॉज ये हेल्प करती है आपके बॉडी को वर्टिकली लॉन्ग शो करने में. और ऐसे आउटफिट में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका बेल्ट किसी दूसरे कलर का नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप दो हिस्सों में डिवाइडेड दिखोगे. या तो आप बेल्ट सेम कलर का पहनो या फिर बेल्ट अवॉइड करो. ब्लैक ऑन ब्लैक बहुत बढ़िया आउटफिट कॉम्बिनेशन होगा जो आप ट्राई कर सकते हो. और आप वर्टिकल स्ट्राइप्स वाले शर्ट्स भी यूज कर सकते हो, वो भी बहुत हेल्प करते हैं आपको टॉल दिखने में. और आप इस टाइप के हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स एकदम अवॉइड करना. ऑल्सो आप ये जरूर ध्यान रखना कि आपके कपड़े वेल फिटेड होने चाहिए, ये भी इंक्रीज करता है वर्टिकल एलिमेंट. और ये लेके आता है हमें टिप नंबर 2 पे, विच इज ऑलवेज गेट योर क्लोथ्स टेलर्ड. अगर आप थोड़े शॉर्ट हो तो ऑब्वियसली मार्केट में जो कपड़े मिलते हैं वो आपके ऊपर परफेक्टली फिट नहीं होंगे. ये प्रॉब्लम मुझे भी होता है, इसीलिए जो भी खरीदता हूँ उसे पहले टेलर के पास लेके जाता हूँ. और मैं चाहता हूँ कि आप भी यही करो. शर्ट्स में बॉडी फिट हो सकता है लेकिन लेंथ ज्यादा हो जाता है, स्लीव्स मोटे रह जाते हैं, पैंट्स में ऑब्वियसली लेंथ लंबा रहता है, तो ये सब टेलर के पास जाके फिक्स करना चाहिए. पैंट्स में एक और चीज का आपको ध्यान रखना है कि उसका राइज कितना है, मींस ये वाला पार्ट ज्यादा टाइट या फिर ज्यादा बैगी तो नहीं है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी पे डिपेंड करता है कि आपके बॉटम का लुक्स कैसा आएगा. ध्यान रखना. टिप नंबर 3 इज रिलेटेड टू कलर्स. आपको कौन से टाइप के कलर ज्यादा पहनने चाहिए? मैं रिकमेंड करूंगा ब्लैक, ग्रे, नेवी, मरून, ऑलिव. मेरे कहने का मतलब है डार्कर शेड्स आपके लिए बेटर ऑप्शन है. एंड बॉटम वियर के लिए तो आपको हमेशा डार्कर शेड्स यूज करना ही है, बिकॉज अगर आप लाइटर शेड्स के पैंट्स यूज करते हो तो आपके लेग्स बहुत हाइलाइटेड दिखते हैं, जो शॉर्ट गाइज के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता. अपने लेग्स को लॉन्ग शो करने का एक और तरीका है, अपने शूज एंड पैंट्स के कलर सिमिलर रखो. इसके वजह से एक इलॉन्गेटेड इफेक्ट मिलता है आपके बॉटम पार्ट को. शूज एंड पैंट्स को आप जितना मिनिमल रख सको उतना अच्छा है. कुछ भी फंकी एक्सपेरिमेंट करना हो तो अपने टॉप वियर के साथ करो. चलते हैं टिप नंबर 4 पे, विच इज अबाउट योर हेयर स्टाइल. मीन्स आपको कौन से टाइप का हेयर स्टाइल रखना चाहिए टू लुक टॉलर. आंसर ऑब्वियसली सबको पता होगा, वॉल्यूम वाले हेयर स्टाइल्स. बट इंडिया के इस हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में वॉल्यूम ज्यादा टाइम के लिए रहना बहुत मुश्किल होता है. स्पेशली मेरे एरिया में पसीना निकल के हालत खराब हो जाता है हेयर्स का, और इसीलिए मैंने भी अपना हेयर स्टाइल बस कट टाइप का कर लिया है. आई होप अच्छा लग रहा हो. आप लोग बताना कमेंट्स में कैसा लग रहा है. समर सीजन में तो मुश्किल होता है, लेकिन विंटर सीजन बहुत अच्छे होते हैं हेयर्स में वॉल्यूम रखने के लिए. और अगर आप किसी एयर कंडीशन रूम में बैठे रहते हो तब तो भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. सो आप ट्राई करो हेयर्स में थोड़ा वॉल्यूम ऐड करने का. साइड्स एंड बैक्स छोटे रहने दो, टॉप में थोड़ा लेंथ रखो, जिसके वजह से आपका फेस थोड़ा इलॉन्गेटेड दिखेगा. एंड फाइनली टिप नंबर 5, आप ऐसे शूज यूज करो जो थोड़े एलिवेटेड होते हैं, इनके सोल थोड़े मोटे होते हैं, या फिर आप कह सकते हो हील्स वाले शूज, या फिर आप बूट्स भी यूज कर सकते हो जो ज्यादा बल्कि नहीं होते. मिनिमल स्टाइल वाले शूज आपके लिए बेटर ऑप्शन होंगे. कलर्स में आप ज्यादा फंकी या फिर वाइब्रेंट कलर्स यूज मत करना, स्टिक टू डार्कर शेड्स. व्हाइट स्नीकर्स एक एक्सेप्शन है जिसे आप यूज कर सकते हो, बिकॉज दे आर ऑसम. ये रही वीडियो, देख लेना. अब मैं शेयर करूंगा कुछ स्टाइल हैक्स जो आपको इंस्टेंटली टॉल शो करेंगी. सबसे पहला, अपना बॉडी पोस्चर हमेशा ठीक रखो. स्लाउचिंग पोजीशन में रहने से आपका हाइट शॉर्ट दिखता है. नंबर 2, आप अपने स्लीव्स हमेशा रोल करो, इससे आपके आर्म्स को थोड़ा मस्कुलर एंड इलॉन्गेटेड इफेक्ट मिलेगा. नंबर 3, अपने कॉलर्स को कभी फ्लैट मत होने दो या फिर स्प्रेड कॉलर्स यूज मत करो. कॉलर्स को हमेशा क्रिस्प एंड स्टैंडिंग रखना, इसके वजह से आपका नेक एरिया थोड़ा टॉल दिखेगा. एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी यूजफुल लगा तो लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करो यार, जल्दी से 5K फैमिली तक लेके चलो इस चैनल को, उसके बाद और बड़ा टारगेट रखेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.